गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात कैसे हैं आप मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं एजी जी ब्लॉग्स ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था तो ये वीडियो बेसिकली एक लाइफ अपडेट वीडियो है हमारे परिवार को पंद्रह दिन पहले तकरीबन सोलह अप्रैल को आ, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया हमारे परिवार में करीबन छः लोग हैं और आ, बच्चे को मिला के सात लोग हो जाते हैं बच्चा अभी सिर्फ सात महीनों का है सो so, 16 अप्रैल को मुझे बुखार आया और 16 अप्रैल को ही पापा को बुखार आया था सत अट्ठारह को पापा ने टेस्ट करा लिया था और 19 को मैंने कराया था तो हम दोनों पॉजिटिव थे तो मम्मी को भी बुखार आ रहा था भाई बहन को भी आ रहा था सिर्फ संगीता और बच्चे को छोड़कर सबको पूरे परिवार को बुखार आ रहा था तो हमें हमें पता तो लग ही गया था कि भाई ये कोरोना ही है क्योंकि सिम्टम्स वैसे थे तो ज़्यादा घबराए नहीं हम लेकिन जितनी भी खबरें आ रही थी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तो हर जगह वही उल्टी सीधी खबरें चल रही थी तो हमें समझ में आ गया कि भैया अब इस समय अब डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी तो डॉक्टर से बात करी हमारे डॉक्टर जो हैं वो कोविड फैसिलिटी के हेड हैं साकेत में तो उनसे बात करी तो उन्होंने वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वाली मेडिसिन हमें बताई तो उसी को लिया हमने और चार पाँच दिन में बुखार बंद हो गया उसके बाद बाकी दिक्कतें होती रहीं बट बुखार नहीं आया सो so, दिक्कत बीच में तब बढ़ गई थी जब पापा का और भाई का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था तो पापा का चला गया था कुछ कितना एटी सेवन एटी फाइव और भाई का चला गया था सेवेंटी एट तो भाई के टाइम पे हम लोग थोड़ा घबरा गए तो मैंने अपने एक दोस्त से बात करी उसने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करा तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं उसका तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लाए फिर पता चला कि उसके ऊपर एक वो लगता है क्या बोलते हैं फ्लो मीटर बोलते हैं उसे लोग पर बेसिकली वो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है ह्यूमिडिफायर होता है बेसिकली तो वो लगाया हमने उससे दो तीन बार ऑक्सीजन दी और आ, मैं चाहता था कि वीडियो बनाऊँ बट बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और बिल्कुल एन, एनर्जी नहीं थी मैंने सब कुछ यूट्यूब से देख के उसको करा और डॉक्टर हमारे थे लाइन पर तो उनसे पूछ पूछ के इंस्ट्रक्शन हमने ऑक्सीजन दी तो भाई आप लोग अगर ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे इंतजाम करवा रहे हैं तो पहली पहली बात तो आप लोग को ज़रूरत ना पड़े भगवान करे लेकिन अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को बीच में रखिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें सो so, दो तीन दिन में भाई का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी सुधरने लगा फिर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया और चीज़ें ठीक होने लगी तो बस एक ही चीज़ की दिक्कत हुई सबको पूरे परिवार को वो है एनर्जी की मतलब न जान बिल्कुल नहीं है कोई बार बार सो रहे हैं बार बार उठ रहे हैं खड़े नहीं हो पा रहे हैं चल नहीं पा रहे हैं अभी तक वो है अभी भी मैं बोल रहा हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा सो so, एनर्जी बहुत इसमें चली जाती है ऐसा लगता है और सांस लेने में दिक्कत हल्की फुल्की मुझे हुई थी बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी मम्मी ने वो बनाया था क्या बोलते हैं उसको Uh, कफ uh, कपूर और अजवाइन और इस सब का लौंग का वो पोटली जो बना रहे हैं आजकल बाकी सब कुछ नॉर्मल uh, था चौदह पंद्रह दिन अभी uh, हमारा नेगेटिव टेस्ट नहीं हुआ है सो इस तरीके से सिचुएशन हमारे घर की काफ़ी कंट्रोल में आ गई और uh, अभी करीबन पंद्रह सोलह दिन हो गए हैं uh, दवाएं खत्म हो चुकी हैं डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कोई फ़र्दर दवा चलाने की ज़रूरत तो नहीं आप लोग घर पे आराम करिए रेस्ट करिए बाहर मत निकलिए और ठीक हो जाएंगे। सो so, इस हफ्ते हम लोग नेगेटिव टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो जब हेज़ल को बुखार आया तब हम लोग काफ़ी घबरा गए थे मुझे पाँच छः दिन के लिए कमरे से बाहर कर दिया गया ताकि बच्चे से थोड़ी दूरी बनी रहे संगीता और बच्चा ही थे जो दोनों को कोई सिम्टम्स नहीं थे तो जब बच्चे को बुखार आया तो थोड़ा सा हिम्मत डाउन हुई और पाँच छः दिन तक मैंने भी हाथ नहीं लगाया बच्चे को तो हेज़ल बहुत वैसे भी रिएक्ट कर रही थी कि कि ये लोग मास्क क्यों लगाए हैं या फिर कोई उसे गोद में क्यों नहीं उठा रहा है तो मैंने एक डॉक्टर से बात करी इस टाइम पे वो दूसरे डॉक्टर थे तो उनसे जब ये मैंने शेयर करा तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके जिनको हस्बैंड वाइफ को भी कोरोना हुआ है तो बच्चे को आप फेंक तो सकते नहीं तो वो लोग अपने बच्चे को रख रहे हैं अपने पास तो इतना घबराई मत अब अपने बच्चे को उतना ही प्यार दीजिए तब जाके मैं कमरे में वापस आया तब जाके बच्चे को मैंने गोद में उठाया एंड धीरे धीरे बुखार उतरने लगा तो उसके तीन दिन बुखार आया था उसके बाद हिजल भी शी इज़ डूइंग गुड नाउ सो अगर आपके किसी भी रिलेटिव को किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी भी दोस्त को uh, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए उसे उसे भयभीत मत करिए उसे डराइए मत और उसे आश्वासन दीजिए कि भाई सब ठीक हो जाएगा क्योंकि 98 परसेंट लोग ठीक ही हो जा रहे हैं और बहुत कम uh, वैसी घटनाएं हो रही हैं लोग रिकवर भी हो रहे हैं So, uh, आप उनको ये बताइए कि भाई आप ठीक हो जाएंगे हाँ अगर आप कपल uh, हैं आपके पास छोटा बच्चा है तो uh, उस उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप बच्चे से अगर आप में कोई सिम्टम्स स्यं, हैं तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि भाई बच्चे को दूर रख दें तो आप uh, घबराइए मत बच्चे को देखिए घर में कोई है तो उनको दीजिए वो देखेंगे घर में मास्क लगाइए और प्रॉपर सैनिटाइज करिए तो बड़ी हिम्मत करके वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी इतनी हिम्मत थी नहीं शरीर में तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और आशा करता हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सुरक्षित हों सेफ हों और बचे रहिए कोरोना से और सबका ख्याल रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय